केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को दी मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को माना जाएगा गैर जमानती अपराध। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना दायित्व निभा रहे पत्रकारों के लिए प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमे को दी मंजूरी। करनाल की विद्यावंती सभी के लिए बनी मिसाल। 92 साल की उम्र में मास्क बनाकर मुफ्त में कर रही है वितरित। और लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे रेवाड़ी के 200 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए 16 बसें हुई रवाना। अभिभावकों ने प्रशासन से बच्चों को वापस लाने के लिए लगाई थी गुहार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्य का 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए के बीमे का भी प्रावधान किया है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना दायित्व निभाने वाले पत्रकारों के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमे की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रणदीप घणगस ने प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। रणदीप घणगस ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में सही और सटीक जानकारी से ही अफवाहों को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार ही सही सूचनाओं से सभी को अवगत करवाकर उन्हें आगे की हर स्थिति के लिए तैयार रहने का बल प्रदान करता है। रणदीप घणगस ने कहा कि प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में बहुत ही संजीदगी से काम कर रही है। जान को जोखिम में डाल करके कार्य में लगे हैं। हम इनके काम की सराहना करते हैं और साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि कोरोना के इस पीरियड में सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे वो एक्रेडिटेड हों अथवा रिकॉग्नाइज्ड हों, इनके लिए हरियाणा सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए करनाल की 92 साल की विद्यावंती ने एक पहल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती से जुड़ी बुजुर्ग विद्यावंती अपने परिवार के साथ खाली समय का सदुपयोग जरूरतमंदों के लिए मास्क बनाकर कर रही हैं। वो सुबह घंटों बैठकर उन लोगों के लिए मास्क बनाने का काम कर रही हैं जो इन्हें नहीं खरीद सकते। विद्यावंती ने बताया कि वो अपने जीवन की ये तीसरी सबसे बड़ी त्रासदी देख रही हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में मास्क की कीमत ज्यादा होने के कारण उन्होंने मास्क बनाकर लोगों को मुफ्त में देने की बात सोची। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें। पाकिस्तान बनियान में जिंदगी टिजी वाली आए टिजी वाली एक बार पाकिस्तान बनिया एक बार जम्मू ने असें जी जम्मू से निकले हाँ फिर इतने आए इतने आए तिने कपड़े च हूँ इन्हें बड़ा अच्छा किया मेरे मोदी ने आशीर्वाद मेरी दे देनी कि आपने बहुत अच्छा किया बिना पैसे काम हुआ गया नहीं तो इन्नी पैसे लगते हैं हूँ बीमारी जी लाई है ना बीमारी नहीं आती ये सबसे प्रथम क्या हमारी राष्ट्र सेवा अगर हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं अगर विपत्ति के समय हम काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा और संयोगवश अब छुट्टियां हैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं लगे बच्चे भी घर थे तो थोड़ा सा बच्चों को होता ही है कि चलो आनाकानी करना कि नहीं ये वो कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे रेवाड़ी जिले के करीब 200 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए आज रेवाड़ी से 16 बसों को रवाना किया गया है। ये सभी छात्र जिले के अलग अलग गांव और कस्बों के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के कारण बच्चों के परिजनों ने प्रशासन से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई थी जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है। रेवाड़ी रोडवेज के महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि प्रशासन के आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 16 बसों को कोटा के लिए रवाना किया गया है। 16 गाड़ियां यहाँ रेवाड़ी डिपो से हैं और 15 गाड़ी नारनौल डिपो से टोटल 31 गाड़ियां भेज रहे हैं। फंसे हुए नहीं है जो लिस्ट हमारे पास जो आई है जो बच्चे हमारे जो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पर जो गए हुए हैं हरियाणा क्षेत्र के वो 858 की लिस्ट हमारे पास आई हुई है तो उन बच्चों को लाने के लिए ये बसें भेजी जा रही है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो जैसा भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें छोड़ेंगे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार किसानों का विशेष ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि डाली जा रही है ताकि किसानों को आगामी खेती करने में कोई समस्या ना आए और वो अपनी फसलों के लिए बीज खरीद सके। कैथल जिले के लाभार्थियों ने कहा कि योजना के तहत उनके खाते में 2,000 रुपए की राशि आ चुकी है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिली है बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा है। उन्होंने योजना को किसान हितैषी बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। जो प्रधानमंत्री ने राहत निधि कोष किसानों के लिए चलाया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो 2,000 रुपए 500-500 की किस्त शुरू किया किसानों की हर महीने यह बहुत ही सराहनीय और बहुत से किसानों के आ भी गए हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। जो 2,000 रुपए किसानों को मिलते हैं वो उससे अपना एक महीने का 500 रुपए से जो भी उसे छोटी मोटी चीज़ ज़्यादा बड़ा तो प्रोजेक्ट नहीं कह सकते लेकिन जो भी छोटी मोटी ज़रूरत है थोड़ी बहुत ही वो पूरी हो सकती है। किसान निधि योजना जो किसानों के हित की योजना है किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है और मान सम्मान भी बढ़ाता है। इससे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने का काम जमीनी स्तर पर जोर शोर से चल रहा है। प्रतिदिन कई गरीब परिवारों को पका हुआ और सूखा राशन प्रदान किया जा रहा है। सरकारी राशन वितरण करने वाले पटवारी मदन लाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा दी गई हिदायत के अनुसार सरकार की तरफ से आया राशन प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज उन लोगों तक राशन पहुंचाया गया जो वैश्विक महामारी के चलते कामकाज पर नहीं जा सकते और उनकी आमदनी भी बंद हो गई है।
मदन लाल ने कहा कि राशन इकट्ठा करने के इस अभियान में सामाजिक संगठनों का भी विशेष योगदान मिल रहा है। लाभार्थियों ने कहा कि राशन पहुंचाने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकट के समय गरीब लोगों की अंत्योदय स्तर तक मदद की है। जी, इसमें मुंसिपल कमेटी भी अलग से बांट रही है। जी, मैंने 180 लोगों को आज तक मैंने सब राशन वितरित किया है। जी, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है ते गरीब जनता नू राशन थोड़ा थोड़ा मिली जाता को। ये सरकार बहुत बढ़िया, मोदी सरकार जी की धन्यवाद है जो साडे लिए माड़ा मोटा राशन भेज रही है। उस नाल ही साडा गरीब जनता का गुजारा हो रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को लेकर हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज पुनः दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा फीस और अन्य शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश नियम 158 के तहत दिए गए हैं, जिसके अनुसार अब कोई भी निजी विद्यालय ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे। पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। लोगों के आजीविका स्रोतों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण ये निर्णय लिया गया है। इन आदेशों की अनुपालना न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमावली 2003 के नियम 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिल रोहिला ने बताया कि इस परिपत्र को सभी निजी विद्यालयों को भेजकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही लें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राप्त की गई शिकायत का समाधान भी तुरंत ही किया जाएगा। की फीस भी ले रहे हैं तो उनको ये आदेश दिए जाते हैं और शीघ्र ही जो विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वो लेटर शीघ्र ही सभी विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में भेज दिया जाएगा, जिसकी दृढ़ता से पालन करने की कोशिश की जाएगी और जो इससे संबंधित जो भी शिकायत आएगी उसका हम समाधान जरूर करेंगे। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि केवल मासिक फीस में केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है। किसी भी प्रकार का फंड जैसे कि बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, कंप्यूटर फंड इत्यादि नहीं लेने हैं। जब तक लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1950 वरदान साबित हो रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के करीब 7,299 जरूरतमंद लोग इस नंबर पर फोन करके भोजन मंगवा रहे हैं। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद कुरुक्षेत्र से उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गट्टा के आदेशानुसार लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इस दौरान सरकार और प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने की समस्या को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की सेवाएं शुरू की हैं। 31 मार्च से लेकर अब तक रोजाना औसतन 400 लोग इस नंबर के माध्यम से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। वायरस हमारे भारत में एक महामारी का रूप ले चुका है, इससे बचने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह प्रथम तल पर कार्य कर रहा है। यह जब लॉकडाउन शुरू किया गया था उन्हीं दिनों से ही यह कार्य कर रहा है और अब तक लगभग 7,000 कॉल हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। इसमें मुख्यतः खाने की समस्या के लिए, फूड ग्रेन के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों का जो बाहर से लोग आ रहे हैं उससे संबंधित हैं। भिवानी जिले में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन और निर्देशों का बखूबी पालन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा शहर का ड्रोन से सर्वे करवाया गया है, जिससे ली गई तस्वीरें स्वयं ही शहर के हालात बयां कर रही हैं। ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में शहर की सड़कों के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके भी सुनसान दिखाई दिए। कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान नागरिकों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भी जिला व शहरवासियों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। लोगों को केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट दी गई है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार घर से केवल एक ही व्यक्ति खरीदारी के लिए बाहर जा सकता है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को दी मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को माना जाएगा गैर जमानती अपराध। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना दायित्व निभा रहे पत्रकारों के लिए प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमे को दी मंजूरी। करनाल की विद्यावंती सभी के लिए बने मिसाल। 92 साल की उम्र में मास्क बनाकर मुफ्त में कर रही हैं वितरित।
और लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे रेवाड़ी के 200 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए 16 बसें हुई रवाना। अभिभावकों ने प्रशासन से बच्चों को वापस लाने के लिए लगाई थी गुहार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।